और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। उसके पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, भोपाल से आ रही है, जहां सागर में अब बनेगा बुंदेलखंड अंचल में वन्य जीव अभयारण्य। राज्य वन्य प्राणी बोर्ड सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है इसकी। प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र में 10 नए अभयारण्य बनाए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, भोपाल से आ रही है, जहां राज्य वन्य प्राणी बोर्ड ने एक फैसला लिया है जिसमें आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 नए अभयारण्य बनेंगे। और इसकी कड़ी में सागर में वन्य जीव अभयारण्य बुंदेलखंड अंचल में बनाया जाएगा। राज्य वन्य प्राणी बोर्ड सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है, जिसके बाद जाहिर तौर पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र में 10 नए अभयारण्य बनाए जाएंगे। तो सागर में भी वन्य जीव अभयारण्य बनेगा। मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 नए अभयारण्य बनाए जाएंगे। सागर में भी बनेगा वन्य अभयारण्य। राज्य वन्य प्राणी बोर्ड इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बताने जा रहे हैं। उमेश निगम हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश जी, बड़ा फैसला है, कितना क्या फर्क पड़ेगा? ये जो 10 नए अभयारण्य बनाने की जो बात कही जा रही है, सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, इसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में कितना महत्व रखेंगे ये नए अभयारण्य, किस तरह से देखते हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल। ये जो 10 नए अभयारण्य बनेंगे, तो इससे प्रदेश में जो टूरिज्म का है वो काफी इसमें बढ़ेगा दखल। और इसके अलावा जो है 10 और बनाए जाएंगे। अभी उनको पिछले दिनों जो राज्य वन प्राणी बोर्ड की बैठक हुई थी, उसे मंजूरी दे दी गई थी। इसके लिए जो है अब वन विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले जो है सागर का जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है, वन्य जीव अभ्यारण्य काम शुरू हो गया है। और ये 25,864 हेक्टेयर में अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। इसका नाम जो है इसका मुख्यालय सागर में होगा और इसका पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य होगा उत्तर सागर। और ये 5 किलोमीटर की पद्धति का पूरा होगा, जिसमें 88 गांव आएंगे जी। और इसमें तरह तरह के सारे वन्य प्राणी वहां रहेंगे और भविष्य में और दूसरे वन्य प्राणियों को भी बाहर से ला के वहां पर बताया जाएगा। तो ये टूरिज्म के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जो टूरिज्म के लिए काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित हो। चलिए, बहुत शुक्रिया अमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। टोक्यो पैरालंपिक में खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी है। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है।